हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 23rd of March और कल यानी 24th of March से बारबेक्यू नेशन IPO ओपन होने जा रहा है मार्केट के ऊपर। और उसके साथ साथ और भी दो IPO ओपन होने जा रहा है बारबेक्यू नेशन IPO के साथ। और ये दोनों IPO दोस्तों मेरे ख्याल से बारबेक्यू नेशन IPO से भी बेहतर है, बेटर है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल पैरामीटर्स और अच्छा है बारबेक्यू नेशन IPO से। कौन सा IPO है हम जान लेंगे, साथ में पूरा डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, कल 24th of March से बारबेक्यू नेशन IPO ओपन होने जा रहा है और उसके साथ साथ और दो IPO ओपन होने जा रहा है। ये दो IPO का जो पूरा डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, ये दो IPO SME IPO है। SME IPO मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस IPO, यानी जो कि बहुत ही छोटे कंपनी है। छोटे कंपनी का जब IPO आता है तो उसे SME कैटेगरी में आना पड़ता है। तो दोस्तों, ये दोनों IPO SME IPO है। तो सबसे पहला जो IPO है उसका नाम है AKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड IPO। इसका जो नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये पावर सेक्टर में काम करता है, और सिर्फ पावर सेक्टर में काम भी नहीं दोस्तों, इंडिया के अंदर बड़े बड़े दिग्गज जो मार्केट लीडर पावर सेक्टर का कंपनी है उनके साथ टाई अप है, पार्टनरशिप है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि गेल इंडिया, जैसे कि NTPC, जैसे कि GMR एनर्जी, जैसे कि इंडियन रेलवेज के अंदर भी ये काम करता है, जैसे कि NHPC, बड़े बड़े कंपनी के साथ दोस्तों ये कंपनी का टाई अप है। और इंडिया के बाहर भी इसका बिजनेस है, बहुत ही शानदार कंपनी मुझे लगा। और ये IPO भी मेरे ख्याल से बहुत ही धमाका मचा सकते हैं मार्केट के ऊपर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, US, जर्मनी, यूरोप के अंदर भी ये कंपनी का बिजनेस, पूरा ग्लोबली ये कंपनी बिजनेस करता है। कंपनी का कुछ कॉपरेटिव स्ट्रेंथ जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस, उसके साथ साथ टाइमली पेमेंट एंड डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड क्लाइंट बेस, क्योंकि इसका ग्लोबली भी मार्केट कैप्चर है, उसके साथ साथ मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स, उसके साथ साथ देखिए क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो लगा मुझे ये कंपनी का, देखिए कंपनी बहुत छोटा है तो इसका जो यहाँ पे जो फिगर आएगा जो सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट का, वो बहुत ही छोटा है, बट आपको हर एक फाइनेंशियल ईयर्स में आपको क्लियर कट ग्रोथ नज़र आएगा। यह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि बारबेक्यू नेशन कंपनी का दोस्तों हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली लॉस ही गेन किया है। तो दोस्तों, ये कंपनी का जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है आपके सामने है, पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे लैक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, करोड़ पे कन्वर्ट करके प्रेजेंट करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए समझने में। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2018 में देखिए, जहाँ पे मात्र 26 लाख का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया था, वहीं पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 में 26 लाख से बढ़ के दोस्तों प्रॉफिट हो गया कितना, 68 लाख। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20 में देखिए दोस्तों, सीधा सीधा लाख से करोड़ पे हो गया, ठीक है, 4,47,00,000 का टोटल नेट प्रॉफिट कमा लिया। और अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 21 की, फर्स्ट दो क्वार्टर, सिर्फ जून और सितंबर क्वार्टर मिला के दोस्तों 5.5 करोड़ के करीब यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमा लिया। यानी कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे दोस्तों, मतलब आप अनबिलीवेबल कंपनी है दोस्तों। आप हो सकता है ये IPO में ना ही भले निवेश किए, बट ये जो IPO जब मार्केट के ऊपर लिस्टेड होगा उसके ऊपर जरूर ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी का जो शेयर है ये इन फ्यूचर में दोस्तों मल्टीबैगर साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर्स इतना सॉलिड है, इतना ग्रोथ। और दूसरी बात, कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स ग्रोथ आप देखिए, हर एक फाइनेंशियल ईयर पे आपको कंटिन्यूअस जंप देखने को मिलेगा। सॉलिड कंपनी है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है। चलिए अब हम थोड़ा सा IPO का डिटेल्स देख लेंगे। सबसे पहले IPO ओपन होने जा रहा है 24th of March, ठीक है, यानी कल बारबेक्यू नेशन IPO के साथ ही ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों 3 दिन का IPO रहेगा, 24th, 25th, 26th of March ये IPO का क्लोजिंग डेट है, यानी फ्राइडे के दिन। उसके बाद ये इशू टाइप बुक बिल्ड इशू टाइप IPO है, और ये IPO में जितने इक्विटी शेयर मतलब इशू किया गया, सारे इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू देखिए ₹10 फेस वैल्यू है, ठीक है। और ये IPO में प्राइस मुझे दोस्तों बहुत ही अंडर वैल्यू लगा, क्योंकि छोटे कंपनी है तो ज़्यादा वैल्यूएशन में लाएगा तो उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ही अंडर वैल्यू। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा दोस्तों, ये IPO का जब लिस्टिंग डे है उसी दिन हो सकता है कि आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाएं।
इसका नाम ध्यान से आप नोट कर लीजिए आपके पेपर पेंसिल में, EKI एनर्जी सर्विस IPO, ठीक है, कंपनी का नाम आपने देख लिया। उसके बाद IPO में जो प्राइस बैंड रखा गया है 100 रुपये से 102 रुपये पर शेयर, यानी 100, 101, 102। उसके बाद ये एक SME IPO है, तो इसका मार्केट लॉट बहुत ही हेवी होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो यही डिफरेंस होता है SME IPO और एक मेनलाइन IPO के बीच में। मार्केट लॉट आपको अगर एक लॉट अप्लाई करना होगा, चाहता है आप, तो आपको टोटल 1200 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यही इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। यही एकमात्र डिफरेंस होता है SME IPO के साथ मेनलाइन IPO का। तो ये IPO जब मार्केट के ऊपर लिस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ BSE SME की कैटेगरी में लिस्ट होगा। ये IPO का साइज़ देखिए दोस्तों, इशू साइज़ देखिए, मात्र 18 करोड़ 60 लाख का ये IPO का साइज़, छोटा IPO, क्योंकि कंपनी छोटा है। तो ये IPO जब लाता है तो इसे SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाता है ये IPO को। IPO से रिलेटेड कुछ टाइम टेबल, जैसे कि IPO ओपन होगा 24th ऑफ मार्च को, 3 दिन का IPO रहेगा, 25th, 26th। उसके बाद आप अगर ये IPO में अप्लाई किया तो आपको अलॉटमेंट मिला या ना मिला, वो आपको पता चलेगा 1 अप्रैल को दिन। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 6 अप्रैल को, उसी दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। और ये IPO दोस्तों मार्केट के ऊपर लिस्ट होगा 7 अप्रैल। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भले ही ये IPO में निवेश ना करें, बट ये लिस्टिंग के दिन दोस्तों आप ये कंपनी के शेयर में ज़रूर छोटा छोटा स्मॉल क्वांटिटी से आप फ्रेश पोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी का जो कोर परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही सॉलिड लगा और प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद दोस्तों रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ जानकारी सूचना है, जैसे कि ये एक SME IPO, तो यहाँ पे आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हो, वही मैक्सिमम लॉट है, वही मिनिमम लॉट है। एक लॉट में टोटल 1200 क्वांटिटी का शेयर आएगा और टोटल जो आपका अमाउंट ब्लॉक्ड होगा 1,22,400 रुपये। ध्यान देना दोस्तों, 1,22,400 रुपये, इसके नीचे आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भले ही अप्लाई ना करें, बट ये जो IPO है, ये IPO का नाम आप याद रख लीजिए, ये कंपनी का नाम, आप इसको जब लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के दिन इसमें आप फ्रेश पोजिशन बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा IPO है, ये भी बहुत शानदार IPO है दोस्तों। ये दूसरा IPO जाने से पहले दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक करके एनकरेज करना प्लीज़, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक लाइक। उसके बाद दोस्तों ये जो IPO है, सिधिका कोटिंग लिमिटेड, ये एक्चुअली पेंट सेक्टर का कंपनी है, पेंट एनामेल्स जो कि कोटिंग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं इंडिया के अंदर, बड़े बड़े शहर के अंदर, बड़े बड़े स्टेट के अंदर इसका बिजनेस है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, सब बड़े छोटे शहर के अंदर, स्टेट के अंदर इसका बिजनेस है। कंपनी का जो कुछ कोर स्ट्रेंथ, जैसे कि इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सचर पेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ऑफ SKK ब्रांड। उसके बाद हाई क्वालिटी एश्योरेंस, एक्सपीरियंस प्रोमोटर एंड मैनेजर्स, स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल प्रेजेंस विथ ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री, यानी इंडिया के अंदर बढ़िया इसका नेटवर्क है। दोस्तों मेरे ख्याल से जो फर्स्ट IPO मैं आपको दिखाया, ठीक है, AKI IPO, वो IPO मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, बट ये IPO का भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स बेटर है देन बर्बिक्यू नेशन IPO से, इसका भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स आपको बढ़िया लगा मुझे। यहाँ पे भी सारे का सारा फिगर्स यहाँ पे लैक्स में लिखा हुआ है, जो कि आपने देख सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 18 में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया था 2,56,00,000 का। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 19 में दोस्तों आप देख सकते हो, वो प्रॉफिट बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20 में थोड़ा सा डाउन आया, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और फाइनेंशियल ईयर 21 की फर्स्ट 2 क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा खराब आया, बट फिर भी कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट गेन किया, ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि बर्बिक्यू नेशन का अगर आप फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखोगे, उसका हर एक फाइनेंशियल ईयर पे आपको लॉस ही लॉस नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों हम IPO का डिटेल्स में चलेंगे। ये IPO भी ओपन होने जा रहा है कल से ही, यानी 24th ऑफ मार्च से, 3 दिन का IPO रहेगा, 24, 25, 26, 3 दिन का IPO, 26 को ये IPO भी ख़त्म। उसके बाद ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप IPO है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक ही इशू प्राइस है। ये IPO में जितने भी शेयर एलोकेट किया गया है, सारे शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। ये शेयर, ये IPO में जो जो शेयर का प्राइस रखा गया है 57 रुपीज़ पर शेयर। और आपको अगर ये IPO में अप्लाई करना हो है तो आपको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना ही पड़ेगा, और एक लॉट में टोटल आपका 2000 क्वांटिटी का शेयर आएगा, वही इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है।
और ये आईपीओ जब मार्केट में लिस्ट होगा ये एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। इसके पहला जो आईपीओ दिखा था वो बीएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, ये एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। आप भी ये आईपीओ का जो नाम है आप पेपर पेंसिल में लिख लीजिए, क्योंकि ये आईपीओ भी बहुत शानदार है। इसका जब लिस्टिंग होगा उसी दिन आप इसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना। उसके बाद ये आईपीओ का साइज़ देखिए, मात्र 4 करोड़ 70 लाख का छोटा आईपीओ एसएमई सेक्टर में आया है। उसके बाद जो रिटेल निवेशक के लिए कुछ जानकारी सूचनाएं, जैसे कि आप अगर ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, वही इसका मैक्सिमम लॉट है। और 1 लॉट में टोटल आपका 2000 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आपका टोटल जो अमाउंट ब्लॉक होगा 1,14,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आईपीओ से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं आपको दे दिया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बारबेक्यू नेशन आईपीओ से ये दोनों आईपीओ मुझे बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा। देखिए बारबेक्यू नेशन आईपीओ का, ये जो कंपनी का बारबेक्यू नेशन का, इसका फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखिए, लॉस मैं छोड़ दिया, इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21 को मैं इग्नोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सारे चारों तरफ लॉकडाउन की वजह से इसका एक भी स्टोर एक भी ब्रांच ओपन नहीं था। बट उसके पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे कि हर एक फाइनेंशियल ईयर पे आपको 32 करोड़ का, 38 करोड़ का, 5-6 करोड़ का आपको लॉस ही नज़र आएगा। ये सब के कारण मैं दोस्तों मैं आपको बोल सकता हूँ कि बारबेक्यू नेशन आईपीओ से फार बेटर देन है, फार बेटर है ये जो AKI आईपीओ, ये बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों, पावर सेक्टर में काम कर रहा है स्पेशली, और इन फ्यूचर पावर सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आगे मुझे जितने भी जानकारी मिलेगा आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, हर एक वीडियो मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।